नमस्कार, मैं हूं वैभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि वो आज सुबह 11:45 और 12 बजे के बीच एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देश के लोगों को देना चाहते हैं। अब कयास और स्पेक्युलेशंस लगने शुरू हो गए थे। अब देश के नाम संदेश नरेंद्र मोदी जी के जुबान से जब भी आता है तो लोग थोड़े सहम जाते हैं और नोटबंदी को याद कर लिया जाता है। ऐसे में लोग एटीएम की लाइन में खड़े होने लग गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस बार चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मामला इस बार अंतरिक्ष का है। अब जिस काम को डीआरडीओ के चेयरमैन को करना था, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज डिक्लेयर किया है कि भारत अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करने वाले देशों में भी शामिल हो गया है। अब 3 देश पहले से इसमें शामिल हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। अब इंडिया भी 4th देश बन गया है, जिसमें इंडिया भी स्पेस में सुपर पावर वाली कैटेगरी में शामिल हो गया है। अब साइंटिस्ट ने लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर दूर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये ऑपरेशन का जो नाम दिया गया वो है मिशन शक्ति। अब भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट के जरिए सिर्फ 3 मिनट में पूरा किया गया। अब डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि हमने दुनिया को बता दिया है कि हम भी सैटेलाइट्स को कुछ सेंटीमीटर पास जाकर भी गिरा सकते हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एड्रेस करते हुए कहा कि हमने एसैट मिसाइल से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को मार गिराया। अब एसैट का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। अब ऐसी मिसाइल हवा में घूमती हुई किसी भी सैटेलाइट को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है और यह एक तरह से अंतरिक्ष में मार करने वाला हथियार है। कोई भी देश का सैटेलाइट अगर हम पे नजर रखेगा तो हम इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारी ताकत अंतरिक्ष में भी बड़ी है, लेकिन इसके इस्तेमाल के मौके बहुत कम आते हैं। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया है जब इसका इस्तेमाल किसी देश ने युद्ध के समय किया हो। अगर युद्ध के समय इसकी जरूरत पड़ती भी है तो भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास इस ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अमेरिका और रशिया के बीच के कोल्ड वॉर के टाइम से है। ये एक ऐसा हथियार है जिन्हें मुख्य रूप से अंतरिक्ष में दुश्मन देशों की सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के हथियार विकसित करने के लिए शुरुआत अमेरिका ने 1950 में की थी और 1960 में रशिया ने, जो उस वक्त सोवियत यूनियन ने, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया ने इस तरह के हथियार बनाए, लेकिन उत्पादन ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए। आज अमेरिका का, मैं आपको बता दूं, आज अमेरिका का 80% जो कम्युनिकेशन है और नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट पर ही डिपेंडेंट है, और अमेरिका इन्हीं सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने जब 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्टिंग शुरू किया गया था, तब तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने कहा था कि चाइना इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और भविष्य में, फ्यूचर में, अंतरिक्ष ही हाई मिलिट्री ग्राउंड होगा। अब इसके बाद भारत ने 2012 में एंटी सैटेलाइट हथियार बनाने की तैयारी की संकेत दे दिए थे, तो दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था और कहा जा रहा था कि भारत अगर दुनिया को टेस्ट करके अपनी ताकत नहीं दिखाता है तो वह महज कागजी शेर ही कहलाएगा। लेकिन इस खबर के बाद भारत को राहत की सांस जरूर ली होगी। अब अर्थ ऑर्बिट का कंसेप्ट भी आप लोग समझ लीजिए। अर्थ ऑर्बिट को आप 2 भागों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट को भी आप 3 भागों में और बांट सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो दायरा होता है वो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का होता है। इसमें लॉन्च की गई सैटेलाइट्स दिन में अर्थ का करीब 3 से 4 चक्कर लगा लेती हैं। अब इस ऑर्बिट में वेदर रिपोर्ट जानने वाली सैटेलाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाए गए हैं, जासूसी करने वाली सैटेलाइट भी इसी ऑर्बिट में लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का जो दायरा है वो 2000 किलोमीटर से 36000 किलोमीटर तक का होता है। अब इसमें लॉन्च की गई सैटेलाइट दिन में पृथ्वी के कम से कम 2 चक्कर लगाती है, यह 12 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है। और वहीं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का दायरा 36000 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। अब इसमें लॉन्च की गई सैटेलाइट 1 दिन में पृथ्वी का 1 चक्कर लगाने में सक्षम होती है।
और जनरली इस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद एक सवाल जो आप लोगों के मन में आया होगा कि अगर लाइव सैटेलाइट को भारत ने मार गिराया तो उसके जो अवशेष हैं, जो सैटेलाइट ध्वस्त की गई है, डिस्ट्रॉय की गई है, तो वो धरती पर क्यों नहीं गिरी। दरअसल ये धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब आपको पता है कि पृथ्वी अर्थ से एक दूरी के बाद ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका भी असर खत्म हो जाता है और मारे गए सैटेलाइट के टुकड़े अंतरिक्ष में ही बिखर जाते हैं। अब चाहे तो इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप, फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।